क्या है ये बजट की? देखिए, अगर इसको बहुत छोटे शब्दों में और सटीक सा जवाब अगर समझें तो वो ये है कि पूरी तरह पुराने तरीके से, अपने पूर्वजों के तरीके से गाय के आधार पर खेती करना और कम से कम खर्च में खेती करना जीरो बजट खेती कह सकते हैं। जीरो बजट खेती को एक और पर्याय में ले सकते हैं, वो ये है कि आप एक साथ ज्यादा फसलें लीजिए, मिश्रित खेती करिए और जो मुख्य फसल है उसका खर्चा दूसरी छोटी फसलों से हम निकाल सकते हैं, तो जो मुख्य फसल है वो पूरी तरह मुनाफे में बचती है, इसी को हम कह सकते हैं कि वो जीरो बजट खेती है। तो आप कब से इस लाइन में हो? आपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस देखिए, मैं अगर देखूं तो इसके पीछे एक थोड़ा स्वाभिमान से जगने की बात है। मैं जब पढ़ता था तो महाराष्ट्र में पढ़ता था तो वहां पे एक अलग सी विचारधारा है हरियाणा वालों के बारे में कि हरियाणवी है और खासकर हरियाणवी जाट कह के वो बात करते हैं। हमें अच्छा लगता था कि हरियाणा के बारे में पूरे भारत में एक अच्छी छवि है, तो वहां पे छवि बहुत मजबूत शरीरों के साथ और हरियाणा की एक अच्छी छवि के साथ हम वहां पे 4 साल रहे। तो जब वापस मैं यहाँ पे आया और मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया तो वो दशा और दिशा एकदम बदलती दिखी। अब देखो, आप बच्चों को देखो, कुपोषण इतना ज्यादा है बच्चों में, वैक्सीन के बगैर उनका काम नहीं चलता, कितना भी बर्डन है झेल नहीं पाते, आत्महत्याएं भी कर लेते हैं पढ़ाई के प्रेशर में बच्चे। तो जब कॉलेज लेवल पे आके पढ़ाते समय मैंने ये देखा तो फिर धीरे धीरे मैंने राजीव दीक्षित जी को सुना तो पता चला कि पूरी तरह ही खेती में जहर इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसी दिन से मुझे लगा कि अब खेती को बदल देना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय हमारे पास भी जहर का है तो बीमारियां भी बढ़ेंगी, जैसे कि आजकल कैंसर एक आम बीमारी, बड़ी बीमारी हो गई है। तो आपके पिताजी ने आपको इसके लिए रोका नहीं, करने के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपने जॉब नहीं की और खेती में आ गया? देखिए, एकदम से आज के समय के परिप्रेक्ष्य में अगर देखो आप, तो कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम वापस खेती की तरफ जाएं, क्योंकि एक सामान्यतः जो वातावरण बन चुका है वो ये है कि भाई आज खेती में कुछ नहीं है। आप 1,000-2,000 लोगों से, किसानों से बात करो तो उनमें से 99% ये बोलेंगे खेती में कुछ नहीं है। उसका कारण ये है कि खेती में घाटा बढ़ा है, खर्चा बढ़ गया, आमदनी कम हुई है, तो उसके कारण से सब चाहते हैं कि भाई खेती में ना हो। तो उस समय एक विरोधाभास था परिवार के साथ में, मेरे साथ में, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे परिणाम मैंने लिए तो अब मेरे साथ में पूरा परिवार है, मुझे कोई समस्या भी नहीं है। स्टार्टिंग में किस तरह की समस्या आपको देखने को मिली जब आपने खेती करनी शुरू की? आपके सवाल को अगर मैं एक दूसरे तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर कोई मुझसे पूछे कि खेती शुरू करें तो क्या परेशानी आएगी, आज खेती में परेशानी केवल एक आती है कि अगर मेहनत ना करो तो परेशानी आती है। आज मुझसे कोई आगे मिलेगी पैदावार कम तो नहीं होगी, जो उस समय की एक समस्या थी, कीड़े कैसे जाएंगे, बीमारियां कैसे जाएंगी, ये सारी जो समस्याएं थी उस समय वो धीरे धीरे करके सीख लिए। लेकिन आज हम इस आधार पर पहुंच गए हैं, इस मुकाम पे हैं कि हम पहली बार में पूरी पैदावार ले सकते हैं। और जो मेरे साथी देख रहे हैं, अगर वो किसी भी दशा में इसको आजमाना चाहे तो हम तैयार हैं आपके। तो क्या कहना चाहोगे आप युवाओं को जैविक खेती के बारे में, किस तरह से आप प्रेरित करना चाहोगे? मैं अपने युवा साथियों को एक बात ही कहना चाहूंगा, पिछले लाखों साल से हमारे देश की या इस दुनिया की जो रोजगार का जो मुख्य साधन रहा वो खेती रही, और पिछले 40 साल में रसायनों के आने से, केमिकल वाली खेती आने से ये तंत्र टूट गया पूरी तरह, और ये तंत्र टूटने से बेरोजगारी का तांडव है। पीछे हरियाणा में देखा होगा, मतलब कलर की नौकरियों के लिए कितना ज्यादा महामारी रही। तो आने वाला जो समय है वो पूरी तरह ही जहर मुक्त खेती का है। आप इसको बिजनेस मॉडल के रूप में ले लीजिए, इसको आप रोजगार के रूप में ले लीजिए, इसको आप एक ब्राइट फ्यूचर के रूप में ले लीजिए रोजगार के तरीके से, तो आप इसमें कहीं भी मात खाने वाले नहीं है। तो आने वाला समय युवाओं के लिए खेती का है, जैविक खेती का है, जहर मुक्त और खर्च मुक्त खेती का है। अगर हम बात करें मुनाफे की तो लगभग 1 एकड़ जैविक फसल मान के चलो गेहूं उगाने के लिए हमें तो कितना खर्च होता है उस पर और कितना मुनाफा हो सकता है उससे? देखिए, कभी भी जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं या खेती करते हैं तो उसमें दो तरीके से हम इकोनॉमिक्स को ढूंढते हैं। एक इकोनॉमिक्स ये कि नेट इनकम कितनी है, आमदनी कितनी है, और दूसरा है कि हम उस पर खर्च कितना करते हैं। बगल में जो दूसरी चीज है कि मेरे परिवार में जो दूसरे खर्च है वो कैसे है।
अब मैं अगर खेती की बात करूं रासायनिक खेती की, तो रासायनिक खेती के साथ साथ में स्वास्थ्य पे जो आने वाले खर्च है वो ज्यादा है, डॉक्टर के पास ज्यादा जाना पड़ेगा, बीमारियां ज्यादा आएंगी रासायनिक खेती से। उस खर्च को अगर बराबर में तुलना करो तो रासायनिक खेती में कुछ नहीं बचता। इसको दूसरे पहलू के अगर तरीके से देखें तो एक एक साल में एक एकड़ से कितना निकल सकता है। मैं पिछले 10 साल से गेहूं और चावल की खेती करता हूं, तो धान लगभग मेरी एवरेज पैदावार 20 क्विंटल होती है बिना किसी खर्च के। खासकर मैं 11 की धान लगाता हूं बासमती, जो अपना इस एरिया की मुख्य फसल है, तो 20 क्विंटल उसमें से निकालते हैं। और मैं कभी भी धान नहीं बेचता, सीधी सी बात यह है। मेरा यह मानना है कि आज किसान तभी बच पाएगा अगर वो अपनी उत्पाद की प्रोसेसिंग करके बेचेगा। अगर आपके पास चावल है, धान है, तो चावल निकाल के बेचिए। अगर आपके पास गेहूं है तो आटे को प्रोसेस करिए। अगर आपके पास कुछ और चीजें हैं, अगर आपके पास दूध है तो उसे घी प्रोसेस करके बेचिए, मतलब सीधा न जाइए उसमें। तो मैं लगभग 60% चावल निकलता है धान में से, और 100 रुपए 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी 10 से 11 हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं बेच लेता हूँ। तो लगभग 1 एकड़ में 1.25 लाख रुपए के आसपास का चावल बिकता है, और लगभग गेहूं भी 40 से 50 हजार के आसपास का बिकता है। तो लगभग 1,60,000 से 80,000 के बीच में इनकम हो जाती है। साथियों, आज बेरोजगारी को ख़त्म करने का और समाज से आर्थिक समस्या को ख़त्म करने का केवल एक ही समाधान है, वो है प्राकृतिक खेती, बिना खर्च की खेती, बिना जहर की खेती। आपने वीडियो को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।